जैसे ही हॉपअप ब्रांड की तरफ से कुछ नया लॉन्च होता है, आप लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हुए थे कि इसको हमें रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हम ऑलमोस्ट जितने भी हॉपअप ब्रांड अभी तक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है, हम सब पे ही शायद डिटेल अनबॉक्सिंग और रिव्यू से वीडियो बना चुके हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर। और अभी रिसेंटली ही हॉपअप ब्रांड ने लॉन्च किया है हॉपअप अल्फा नेक बैंड। इसका प्राइसिंग है जस्ट 500 रुपीज़, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ब्रांड ने। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया है। काफी अच्छी बिल्कुल एक फीलिंग आ रही है इसको अनबॉक्स करते हुए, और इस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग चेक करेंगे क्या क्या बॉक्स के अंदर कंटेंट मिलेगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी, म्यूजिक, बेस, कॉलिंग, गेमिंग सब हम टेस्ट करेंगे, ताकि एंड तक पहुंचते सब देखने के बाद फाइनली आप डिसाइड कर पाएं कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको हॉपअप अल्फा नेकबैंड का ऐसे डिसेंट सा बॉक्स मिल जाएगा, एंड साइड में काफी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स मेंशन किए गए। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, हम आगे सब डिटेलिंग में चेक करेंगे। एंड बैक साइड में यहाँ पे साफ साफ मेंशन है इट इज अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया ब्रांड की तरफ से, और यहाँ प्राइस मेंशन है अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज, इसका एक्चुअल प्राइस 500 रुपीज के आसपास है। एंड बॉक्स के अंदर हम कंटेंट देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हॉपअप ब्रांड की तरफ से वारंटी कार्ड, इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिल जाएगी, क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, बटन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसको चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एक माइक्रो यूएसबी का आपको चार्जिंग केबल मिलेगा नेकबैंड चार्ज करने के लिए, थोड़ी छोटी साइज का यहाँ पे आपको केबल मिलने वाला है। एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे, अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेकबैंड यू विल बी गेटिंग, पूरा यहाँ पे आपको ग्लॉसिनेस के साथ प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाला है, और इसको आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर पाएंगे, ऐसे कोई यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। एंड अगर इस साइड पे देखेंगे तो आपको मिलने वाले यहाँ पे मल्टीफंक्शन बटन्स, 3 आपको प्रॉपर बटन्स मिल जाएंगे फुल एक्सेसिबिलिटी के साथ, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, और साइड में यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर्ड आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से अपने प्लग इन करके नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। एंड दूसरी साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिंपली हॉपअप की ब्रांडिंग, ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। अच्छी आपको ग्लॉसिनेस मिल जाएगी इस साइड पे, और नेकबैंड के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है एल और आर साफ साफ मेंशन है, ताकि आपको इसको यूज करने में दिक्कत फेस ना हो। एंड अगर हम यहाँ पे नीचे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है पतली सी बिल्कुल आपको नेकबैंड की वायर्स मिल जाएंगी, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बड्स। बड्स आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट से पूरे आपको प्लास्टिक बिल के बड्स मिलने वाले हैं, काफी लाइट वेट नेकबैंड है ये, और यहाँ पे आपको दोनों में ही हॉपअप की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, और उसमें आपको ऐसा कोई मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया गया, सिंपली यहाँ पे आपको पावरफुल मैग्नेट्स मिल जाएंगे फॉर सिक्योर फिट, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड मेनली अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नेक पे प्लेस करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, कानों को बिल्कुल सही तरीके से पैक करते हैं यार ये, और बहुत ही लाइट वेट नेकबैंड है, आपको ऐसा कोई हैवीपन बिल्कुल फील नहीं होगा, और ये काफी हद तक बैकग्राउंड की नॉइज भी कैंसिल करते हैं नेकबैंड लगाते से ही। अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, मैंने बहुत कोशिश करी कानों से बिल्कुल ये गिरे नहीं, अच्छा आपको सिक्योर फिट प्रोवाइड कर देंगे ये। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2, वाटर रेजिस्टेंट फीचर के साथ ही आता है, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी इसमें आपको मिलने वाला है, और साथ ही में इसमें आपको मैसिव 50 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट्स के चार्जिंग में आपको नियरली 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस वायरलेस नेक बैंड। सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में आपको जो दूसरे ब्रांड्स हैं 1000 रुपये के आसपास प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको जो मैसिव बैटरी लाइफ है बिल्कुल आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाएगी 50 आवर्स का क्लेम किया। अगर आप म्यूजिक को 50 या 60 या 70% वॉल्यूम तक भी सुनेंगे, जो ब्रांड ने क्लेम की गई बैटरी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट सही तरीके से वर्क करता है, और इसमें आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड गेमिंग मोड। सो यार देखा जाए बहुत ही बजट फ्रेंडली नेकबैंड है, स्पेसिफिकेशंस में आपको बिल्कुल भर भर के मिलने वाले, इसको लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स के कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं, एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। अगर आप बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्लस को 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड जो बीच वाला बटन है अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, सबसे आप कमांड्स दे सकते हैं, और बीच वाले बटन को ही अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे 3 बार प्रेस करेंगे तो ये डेडिकेटेड गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से ट्रिपल प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को तो ये गेम मोड से एग्जिट कर जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, बीच वाले बटन को अगर आप यहां पे 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। एंड रीडायल करना है अगर आपको नंबर तो बीच वाले बटन को अगर आप 2 बार प्रेस करेंगे तो लास्ट नंबर रीडायल हो जाएगा। अब हम करेंगे गेम मोड ऑन करके एपेक्स लेजेंड्स का गेमिंग टेस्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे एक्जेक्टली आपको लेटेंसी कितनी मिलने वाली है। Kill you.
यार मैंने वन प्लस 9R में एपेक्स लेजेंड्स खेला था गेम मोड ऑन करके, जो लेटेंसी है बिल्कुल आपको फील नहीं होगी। जिस टाइम आप गोली चलाएंगे उसी टाइम बिल्कुल आपको कानों में सुनाई देगी, जो उसकी लेटेंसी बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलने वाली है। इन ऑडियो एक्सपीरियंस में आपको सही मिल जाएगा, लाउड और क्लियर आप बोल सकते हैं, लेफ्ट राइट का सेपरेशन भी आपको सही मिलने वाला है। मेनली अगर आपको एक बजट फ्रेंडली कम बजट में आपको एक गेमिंग नेकबैंड चाहिए, बिल्कुल लो लेटेंसी आप बोल सकते हैं, लो तो नहीं नो आप बोल सकते हैं, इसको आप डेफिनेटली परफेक्ट गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन, दैट इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। लेकिन यहां तक आते आते अगर आपको ब्रांड की तरफ से इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। थैंक यू। इसमें आपको 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, लाउडनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं, ट्रेबल्स आपको सही मिल जाएंगे, वोकल्स की क्लैरिटी में बिल्कुल आप बोल सकते हैं, अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको वोकल्स की क्लैरिटी ज्यादा परफेक्ट सुनाई देगी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। म्यूजिक पार्ट को लेकर, डिटेलिंग पार्ट को लेकर और ट्रेबल्स को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम इसके बेस की बात करेंगे, बेस इसमें आपको डिसेंट मिलने वाला है, सराउंडिंग आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, लेकिन हाँ जो पंचीनेस है आपको सही मिल जाएगी, आपको प्रॉपर बोल सकते हैं पंचीनेस आपको सॉफ्ट सॉफ्ट मिलने वाली है। सो ओवरऑल इसमें बोल सकते हैं सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस है ना वो आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकते हैं, लेकिन आपको एडिकेट अगर आपको बैलेंस बेस और म्यूजिक का आउटपुट चाहिए इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। और इसमें आपको मिलने वाला है एसबीसी कोडेक का सपोर्ट, एसी कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे इसके कॉलिंग एक्सपीरियंस की, इसमें आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलने वाला है, मैंने अपनी वाइफ से कॉलिंग की थी आउटर कंडीशन में, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा इसमें कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस खाना बना रही हूँ। खाना बना रही हो? अरे अभी मेरे पास ना हॉप अप ब्रांड की तरफ से हॉप अप अल्फा नेक बैंड है, अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं। मैं उनसे लाके डायरेक्टली बात कर रहा हूँ आउटर कंडीशन में, तो मेरी आवाज कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर है, वोकल्स में क्लैरिटी काफी अच्छी है, बस थोड़ी बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। हाँ यहाँ पे काफी एक्टिविटीज हो रही है बैकग्राउंड में, तो मतलब पता चल रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हाँ पता चल रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज पे ज्यादा फोकस्ड है। अच्छा, क्लैरिटी, वोकल की क्लैरिटी, लाउडनेस कैसी है? लाउडनेस भी काफी अच्छी है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड की एक्टिविटी पता चल रही है, बाकी और भी प्रॉब्लम नहीं, वो भी थोड़ा, लेकिन आवाज से तुम्हारी ज्यादा फोकस्ड है। तो कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हो? 80-90% तुम्हारी आवाज पे फोकस्ड है, 10-20% बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। अच्छा, ओवरऑल कॉलिंग कैसी बोल सकते हैं इसकी? अच्छी है, काफी अच्छी है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू, बाय। इसमें जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है काफी इंप्रेसिव वे वर्क करता है। मेरी वाइफ बोल रही थी 80-90% मेरी आवाज से फोकस था, उसको 10-20% बैकग्राउंड की एक्टिविटीज पता चली थी, लेकिन जब मैं बात करता आवाज बिल्कुल फोकस थी और लाउड थी मेरी। अगर आप इसको आउटर कंडीशन में भी यूज करते, अगर आप ड्राइविंग के टाइम भी यूज करते, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर आप बाइक ड्राइव करते हैं, आप कुछ भी स्कूटी राइड करते हैं, उसके टाइम पे अगर आपको नेकबैंड चाहिए तो उसको आप डेफिनेटली अच्छी कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को भी हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड, जस्ट 500 rupees। सो भाई घूम फिर के अगर आपको एक बजट फ्रेंडली अच्छा लुक एंड फील का आप बोल सकते हैं, काफी लाइट वेट नेकबैंड चाहिए, कानों में सिक्योर फिट प्रोवाइड कर दे, और अगर आपको कॉलिंग और गेमिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छा आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डिसेंट आपको सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल ये जस्टिफाई करता है, इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपको एक बजट फ्रेंडली नेकबैंड चाहिए, एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी चाहिए। तो सारे के सारे मेरे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी कुछ दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च हॉप अप अल्फा नेकबैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।